चलिए देखिए, अब आपको हम टाइप थर्ड पर आधारित एक दूसरा क्वेश्चन बताऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दिया है बीडी अनुपात है डीसी इक्वल टू 3:11 एंड एएफ अनुपात है एमबी इक्वल टू 7:4। तो ज्ञात कीजिए ओए अनुपात है ओडी इक्वल टू क्या, ओसी अनुपात है ओएफ इक्वल टू क्या, इसके अकॉर्डिंग ग्राफ बना दिया गया है। अब सबसे पहले आपको कॉमन पॉइंट ढूंढना है, कॉमन पॉइंट कहाँ पे है, तो कॉमन पॉइंट ढूंढने के लिए बताए हैं किस किन भुजा का अनुपात दिया है ये बताइए। भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए बी एंड बी सी, इसका अनुपात दिया है। तो ये दोनों भुजाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रहे हैं जरा हमको बताइए, तो बिंदु किस बिंदु काट रही है, ये दोनों एक दूसरे बी पे काट रही हैं, तो ये हो गया कॉमन पॉइंट। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कॉमन पॉइंट, पॉइंट हो गया कॉमन पॉइंट। तो आप बताइए यहाँ पर जो बेट लगेगा यहाँ इसको लेकर, इधर से ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और इधर से ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, अर्थात 7 और 11 के एलसीएम निकालेंगे, इसका 11 का और 7 का, 11 और 7 का एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 77 आएगा, कितना आएगा 77, लास्ट निकालना आता होगा ना। तो अब तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, क्या चाहे जिस भी उठाओ कोई दिक्कत नहीं, पहले ए बी ही उठा लो। तो बताइए ए एफ, भुजा ए बी में ए एफ इक्वल टू कितना है, 7:1 है, ए एफ बराबर कितना 7:1 है, और 7:1 बराबर कितना दिया है 77। ये तो देखिए यहाँ पे ये जो एलसीएम आएगा इधर वाला आया, तो 7:1 बराबर कितना 77, तो यहाँ से 1:1 मान निकालेंगे हम, 1:1 मान निकालेंगे तो आएगा कितना 77/7 बराबर कितना 11, 1:1 बराबर 11 आ गया, तो 4:1 मान क्या होगा, तो 4:1 बराबर 4×11 बराबर 44 किलो, कितना 44 किलो। बताओ इसका जो वेट होगा, जो इसका वेट होगा यहाँ पर लगेगा, यानी यहाँ पे आ गया 44, कितना आ गया 44, बिंदु ए पर आ गया 44, ठीक। और ये कितना 77, यहाँ पे आया 77। कॉमन पॉइंट पे जो एलसीएम होता है वही टोटल वेट होता है, ये आप बताए हैं, यहाँ पे हो गया 77। अब क्या करेंगे, अब इधर निकालिए बी सी पर, बी सी में डी सी, डी सी बराबर कितना 11:1, तो बताइए 11:1 बराबर कितना 77, यहाँ से 1:1 मान निकाल लो, 1:1 बराबर 77/11 बराबर कितना 7, 1:1 बराबर 7, तो बताइए 3:1 बराबर कितना हो जाएगा, कहेंगे तब तब 3:1 बराबर 3×7 बराबर कितना 77 किलो, सॉरी सॉरी 3×7 बराबर कितना 21, कितना 21, 3×21 होता है ना। तो अब बताइए इसका जो वेट होगा यहाँ पर लगेगा इस कोने पे, यहाँ पर हो गया 21, यहाँ पर 77। अब जो भी पूछेगा हम ज्ञात कर सकते हैं, आप बताइए अगर यहाँ पे 21 है यहाँ पे 77 है तो बीच में कितना होगा, बीच में दोनों किनारों का योगफल होता है, टोटल वेट होता है, तो 77 और 21, अगर 77 में 21 जोड़ देंगे, 21 जोड़ देंगे तो आया कितना 98, तो यहाँ पे टोटल जो वेट होगा यहाँ पे डी पर 98, यहाँ पे टोटल वेट 98 हो गया, 98 यहाँ पे है 44 यहाँ पे है, यहाँ कितना है 44 है, 44 यहाँ पे 98 यहाँ पे, बीच में क्या हो गया यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम बताए बीच में दोनों किनारों का योगफल होता है, आप फिर से जोड़ दीजिए, आप 44 में 98 जोड़ दो, 8×4=12, 9×4=13, 14=142, यहाँ पर टोटल वेट आ गया आपका 142, यहाँ पे आ गया आपका बिंदु ओ पर यहाँ पर 142 किलो, ठीक। अब तो निकाल सकते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में, कहेंगे अब क्या पूछा है, ओ ए, ओ ए अनुपात ओ डी इक्वल टू क्या, ओ ओ मतलब इस भुजा यहाँ पर कितना वेट होगा, इस भुजा पर वेट इस किनारे वाला, अर्थात यहाँ से ये यहाँ पे चला गया, आ गया 98 अनुपात ओ डी, ओ डी मतलब ये, तो यहाँ पर जो वेट होगा इस किनारे वाला आएगा, इधर वाला आएगा, तो इधर वाला भैया यहाँ पे अगर आएगा तो 44 है ना, यहाँ पर 44 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 44। अब बताओ दोस्त काट देंगे नहीं से, ओ आर आर, ओ आर आर या
दूसरे काटेंगे इसे तो दो चौक आठ दोनों 18 अनुपात 22 ये आ गया। हम बताएं कटेगा तो काट देंगे नहीं तो छोड़ देंगे। एंड क्या सेट बनाते हैं एंड ठीक ओ सी अनुपात ओ एफ कर लो क्या OC ये बताओ इस भुजा का वेट क्या है इस किनारे पर होगा तो अगर इसे 44 से इधर 70 तो यहाँ कितना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 44 में 77 जुड़ जाएगा 77 प्लस 44 11 12 121 यहाँ पर टोटल वेट आ गया 121 बिंदु यफ पर कितना आ गया 121 बिंदु यफ पर आ गया 121 यहाँ पर हो गया कोई दिक्कत नहीं है। कर OC मतलब ये आला तो इसका वेट कहाँ पे आएगा इधर से आएगा इस भुजा पर आएगा तो हो गया 121 अनुपात OF ये तो इधर से वेट जाएगा यहाँ पे ये आला जो वेट है यहाँ पे जाएगा यहाँ पे तो होगा 21 चलेट से लिख दें ठीक बस हो गया आंसर आ गया आपका आंसर तो मास पॉइंट थ्योरम खत्म हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सॉल्व कर लेंगे ना चलिए। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा ठीक ना। जितना मेहनत हम कर रहे हैं उतना मेहनत आप भी करिएगा तब आप बहुत आगे चले जाएंगे बहुत आगे बढ़ जाएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।